नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो। दोस्तों, बढ़ते पोल्यूशन में सबसे बड़ा सवाल है, घर के अंदर क्या आप सुरक्षित हैं? जी नहीं, आपके घर के अंदर अगर आप अपना घर में AQI चेक करवाएंगे तो वो भी आपका बाहर 400 है तो घर में 300-350 आपको मिलेगा। तो ऐसे में क्या करें, क्या घर में भी 24 घंटे मास्क पहन के रहें? जी हाँ, वो एक ऑप्शन है, खासकर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। दूसरा ऑप्शन है कि घर में अंदर आने वाली हवा को कंट्रोल करें, प्यूरीफाई करें घर में, या तो आप एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम या एयर प्यूरीफायर यूज करें, खासकर अपने सोने वाले कमरे में, बेडरूम में, और घर में आने वाली हवा को फिल्टर करने की कोशिश करें। छोटे छोटे एयर फिल्टर्स वैसे आते हैं और हेपा सर्टिफाइड एयर फिल्टर बेस्ट होते हैं PM2.5 से छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर करने के लिए, लेकिन हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो होममेड फिल्टर्स भी आप बना सकते हैं। याद रखिए, ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे गंदे पानी को अगर किसी कपड़े से आप छानते हैं और नीचे से साफ पानी आता है तो वो कपड़ा डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक सकता है। तो ऐसे में टाइटली वोवन, टाइटली बने हुए कॉटन, पॉलीस्टर या माइक्रोफाइबर के कपड़े, खासकर जिनसे बहुत कॉमनली आपकी बेडशीट बनती है, पुरानी कोई बेडशीट हो सकती है, कई टी शर्ट्स हो सकते हैं, ऐसी चीजों का एक या दो लेयर आप अपने खिड़की पे लगाएंगे तो कई हद तक पोल्यूशन आपके घर में कम आएगा। हवा कम आएगी लेकिन साथ में पोल्यूशन भी कम आएगा। अपने बच्चों के स्कूलों में भी आप ये बात बताइए कि स्कूल के अंदर भी जहां बच्चे ना मास्क पहन रहे हैं ना वहां पे खिड़कियां बंद हो रही है, वहां भी AQI हाई है। कब तक स्कूल बंद रहेंगे या कब तक घर से पढ़ाई होगी? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों को, गवर्नमेंट को और स्कूल वालों को।